होते हैं। और सबको आता है यूट्यूब स्टूडियो क्या है? हाँ यूट्यूब तो क्रिएटर स्टूडियो ये है मेनली। यूट्यूब पहले जो था, पहले सिर्फ हाँ, तो YouTube क्रिएटर स्टूडियो ये था कि आपका जो जो क्रिएटर्स हैं, जो YouTube पे क्रिएटर्स हैं, उनको हेल्प करने के लिए, ब्रांड्स को हेल्प करने के लिए, कंटेंट कैसा चल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, आइडियाज़ YouTube से। YouTube भी क्योंकि हमेशा क्रिएटर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। तो सबसे पहला YouTube ही सबसे बड़ी सर्च इंजन है, तुम्हें पता हो अगर वीडियो सर्च इंजन, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। ये सेकेंड नंबर पे आता है गूगल के बाद, बट इट्स द लार्जेस्ट सर्च इंजन अगर वीडियो का बात करें तो। नंबर वन तो ऑब्वियसली गूगल ही है हमेशा से, बट यू जब वीडियो प्लेटफॉर्म की बात आती है, यूट्यूब इज नंबर वन प्लेटफॉर्म वीडियो पे, ठीक है। तो इस पे हमें ये दिया जाता है यूट्यूब पे कि आपका ये एक चैनल का डैशबोर्ड है, ठीक है, मतलब ये एक चैनल का आपका पूरा जो भी आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो उसकी क्या परफॉर्मेंस चल रही है, उस पर क्या आप ऑप्टिमाइज कर सकते हो, उसमें क्या क्या चीज़ें लगती है, वो सारी चीज़ें आपको बताएंगी ये, ठीक है। तो इस पे मैं पहले ओवरव्यू दे देता हूँ इसका। यहाँ पे तुम्हें पूरा चैनल दिखेगा, ये यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो जाना है तो तुम डायरेक्टली चैनल से, यहाँ पे क्रिएटर स्टूडियो होगा, यहाँ पे आता है, दिखाई देता हूँ। ये डायरेक्टली मैंने स्टूडियो खोला था, ठीक है। तो यहाँ पे जो तुम्हारे स्टूडियो पे दिखेगा, या तो तुम क्रिएटर स्टूडियो अगर मतलब यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो अगर तुम यूट्यूब पे भी डालते हो, मतलब गूगल पे, वो डायरेक्टली आपको यहाँ पे ले आएगा। जो भी क्रिएटर स्टूडियो अगर आपको स्विच करना है, तो आप यहाँ से जाके स्विच कर सकते हो, जो भी आपको चैनल पे जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे यूट्यूब जो भी तुम्हारा है यूट्यूब पे क्रिएटर स्टूडियो पे, ये एक डैशबोर्ड आता है जिसमें यू विल सी ऑल दी टैब्स हियर, ठीक है। तुम्हारा डैशबोर्ड है, कंटेंट है, कंटेंट में यू विल सी ऑल दी कंटेंट यू हैव पब्लिश, अनलिस्टेड या तो प्राइवेट कर रखा है, वो सारे कंटेंट आप देख पाओगे, ठीक है। प्लेलिस्ट में आप प्लेलिस्ट वगैरह सब कुछ बना पाओगे, ये आपके जो कोई भी आप एक कोई सीरीज शुरू कर रहे हो कंटेंट में, तो उस सीरीज का प्लेलिस्ट बना लो, यहाँ पे डाल दो, जो भी आप वीडियो पोस्ट कर रहे हो उस सीरीज में डाल दो, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है मुगले आजम का, हमारा वॉर का, एचपी का, ठीक है, हैमिल्टन बीच का, ये एनईएम का, जो भी वीडियोस गए हैं लिप फास्ट लिप का, सारे हमने यहाँ पे क्लाइंट्स के सारी चीज बना रखी है। अगर तुम्हें न्यू प्लेलिस्ट बनाना है, तुम यहाँ से भी बना सकते हो, या तो तुम ऐप से भी बना सकते हो। जब तुम सेव करोगे तो वहाँ पे भी ऑप्शन होता है बनाने का प्लेलिस्ट। एनालिटिक्स मेनली एनालिटिक्स का ही काम होता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। या तो तुम वीडियो पोस्ट तो करते ही हो, प्लस आप एनालिटिक्स भी यहाँ पे देख सकते हो कि आपके वीडियो कैसे परफॉर्म करी, आपकी चैनल क्या हेल्थ परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। अगर आप लास्ट 7 डेज में देखो और कंपेयर टू लास्ट, अगर तुम कंपेयर भी इसमें वैसे कर सकते हो, आई थिंक वो आपको मैं इस पे बता दूंगा सेम बोर्ड में, ठीक है। तो ओवरव्यू देख सकते हो कि लास्ट 7 डेज में आपका वीडियोस क्या परफॉर्म किया है, और जब भी स्पाइक्स दिखेगा ना, तो नीचे हमेशा देखना कि भाई स्पाइक्स जो हमारे यहाँ हैं व्यूज में, जो भी तुम क्लिक करोगे वो वॉच आवर्स दिखाएगा, सब्सक्राइबर्स दिखाएगा, सब्सक्राइबर्स सबसे ज्यादा किस में आए थे, यहाँ पे आए थे। अब इस यहाँ पे जब भी हम देखेंगे वो हमारे व्यूज बढ़े हैं, तो हमेशा देखना ये ग्राफ। अब ग्राफ के नीचे जब भी हमारा दिखाया जाता है डेट, कोई भी डेट देख लो, यहाँ पे 10th, यहाँ पे अगर स्पाइक दिखाया है तो इसके अराउंड हमने क्या वीडियोस डाले थे, वो चीज़ हमेशा देखना है, और कितने टाइम में पोस्ट किया था वो चीज़ देखना है, क्या ड्यूरेशन थी उस पर, क्या ऐसा कंटेंट था कि परफॉर्म किया है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो हमारा जो एनालिटिक्स पे आ जाते हैं, एनालिटिक्स पे ओवरव्यू होता है, रीच टैब होता है, एंगेजमेंट होता है, और ऑडियंस के बारे में आपको जो आपकी ऑडियंस है उसके बारे में आपको पता चलता है। तो ओवरव्यू में मेनली आपको यही दिया जाता है कि आपके जो ओवरव्यू में ओवरव्यू में आपको ये बताया जाता है कि आपके चैनल क्या परफॉर्म कर रही है। बट ये नहीं है कि आपने अगर वो वीडियो डाला है तो उस वीडियो के ही व्यूज आएंगे। ये सारे अगर आप 1 महीने का डेटा देख रहे हो तो ये आपको मे बी पिछले महीने का भी डेटा दिखा सकता है, क्योंकि आपका जो जनवरी में, जैसे अगर मैं फरवरी का देख रहा हूँ, मेरा इतने, अगर मैं वीडियो जो फरवरी में डाले हूँ ना उसको अगर मैं काउंट करूँ तो मेरे इतने व्यूज मे बी ना आए। ठीक है, रीजन भी है क्योंकि जो हम लोगों ने जनवरी में पोस्ट किया था मे बी वो भी उसमें से भी व्यूज आ रहे हैं। ठीक है, तो ये काफी रिपोर्टिंग जब भी हम करते हैं यूट्यूब पे या तो कोई भी चैनल पे, हम हमेशा ओवरव्यू ही देखते हैं, क्योंकि वो पूरा अकाउंट का परफॉर्मेंस होता है, वो चैनल का परफॉर्मेंस। या तो तुम सोशल मीडिया ले लो, कोई भी इंस्टाग्राम चैनल ले लो, फेसबुक ले लो, इंस्टाग्राम, ट्विटर, या कोई भी चैनल ले लो, उस पर हम हमेशा डैशबोर्ड ही देखते हैं कि हमारे डैशबोर्ड पे चैनल का परफॉर्मेंस क्या हो रहा है। बेस्ड ऑन दैट हम हमेशा मार्केटिंग डिसीशंस लेते हैं कि आगे जो है हम जाके कैसे प्लान करें कंटेंट, ताकि और हमारे जो यूजर्स है उसको देखें। पहले ओवरव्यू दे देता हूँ, उसके बाद में लास्ट में एनालिटिक्स में आऊँगा। यहाँ पे कमेंट्स हैं, जो भी लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि आपने रिस्पॉन्ड किया है कि नहीं, वो चीज़ आप यहाँ पे फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, यू हैवंट रिस्पॉन्डेड, यहाँ पे आप जाके पूरा फिल्टर कर सकते हो और यहाँ पे लोगों को रिस्पॉन्ड भी कर सकते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड कर सकते हो पूरा, मतलब पूरा फिल्टरिंग का सारा चीज़ तुम यहाँ पे हो रहे हैं पूरा ही कर सकते हो इसका, वो चीज़ है। और आपकी जो है यहाँ पे सेटिंग में तो कुछ ज़्यादा नहीं है, बट सेटिंग का भी काम होता है हमेशा चैनल में। हमेशा जब भी कोई भी ब्रांड चैनल बनाओ तुम, ठीक है, हमेशा ब्रांड चैनल बनाओ, मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें अपडेटेड हो। ये हमेशा बताती है कि आपकी चैनल, मतलब हमें मेनली YouTube क्या करता है, YouTube का एल्गोरिथम क्या बोलता है कि YouTube इज, अगर अगर तुम YouTube को बोलोगे ना कि YouTube मेरा जो है चैनल, मेरा चैनल इस बारे में है, अभी भी हमारा NEM में जो जो भी कंटेंट जा रहा है, इट्स नॉट रिलेवेंट कि YouTube वो देखे, ये चैनल और भी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। बट ये क्यों डिप होगा, क्योंकि हमारा जो चैनल है इट्स ऑल अबाउट मार्केटिंग, ऑल अबाउट मार्केटिंग। मे बी हम अगर मार्केटिंग के कुछ ये डाले, कंटेंट डाले, तो वो जो मार्केटिंग के लोग हैं वो देखेंगे, हमें रिलेवेंट लोगों तक पहुंचाना है। अब इसमें क्या हो रहा है, हम इसमें कभी हम तो इसमें ऑब्वियसली वर्क शोकेस कर रहे हैं, जो लोग हमारे एजेंसी को जानते हैं वो लोग फॉलो करेंगे ही करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे ही करेंगे, बट मे बी नेक्स्ट वीडियो जब हम डाले वो लोग देखे ही ना उसको। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट रहता है कि कोई भी ब्रांड, अगर हम ब्रांड के लिए काम कर रहे हैं तो वो जो कंटेंट होना चाहिए, इसलिए हम हमेशा वो कंटेंट जो है ब्रांड से जो कस्टमर एंगेज करे वैसे ही रिलेटेड हम कंटेंट बनाते हैं। बट ये मेक श्योर करो कि हमेशा कीवर्ड्स जो स्टफिंग हो, चैनल के कीवर्ड्स बोलते हैं ये, ताकि हम यूट्यूब को बता पाए कि यूट्यूब देखो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो इस बारे में ही है। हमारा मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मार्केट सोशल मीडिया एजेंसी, तो ये सारे हम कीवर्ड स्टफिंग कर देते हैं टू मेक श्योर कि हम यूट्यूब को बता पाए कि यूट्यूब देखो हमारा जो कंटेंट या हमारे जो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो इस टाइप के कंटेंट हम पोस्ट करेंगे, या इस टाइप ऑफ हमारा जो चैनल है ये इस टाइप ऑफ कंटेंट पोस्ट करेगा। ठीक है, या तो हम इस बारे में बात करते हैं वैसे टाइप में। और उसके बाद एडवांस सेटिंग में कुछ ज़्यादा नहीं है, अगर तुम्हें ये सारे सेटिंग तो नो करके रहना, हमेशा वन टू रिव्यू कर देना। अगर वो वैसे ब्रांड का अकाउंट है तो यही कर देंगे, लेकिन नोट सेट दिस अकाउंट इज नॉट फॉर किड, क्योंकि हम हमेशा रिव्यू करेंगे यही चीज़ सेट करते हैं, क्योंकि मेड एज किड करोगे ना तो उस पर किड, यूट्यूब फॉर किड्स भी आएगा तुम्हारा ऐप, और वो बहुत बहुत गंदा लगता है वो, अगर तुम ये सिलेक्ट करते हो तो हमेशा इसको सिलेक्ट करके रख देना उस पर। ठीक है, नहीं तो हमेशा रिव्यू करना पड़ेगा इसमें। तो अपना अगर तुम यूट्यूब पे कुछ एड्स वगैरह चलाना हो तो यहाँ पे एड लिंक भी कर सकते हो, एड अकाउंट, वहाँ पे एड अकाउंट आईडी होता है, इसको डायरेक्टली लिंक कर सकते हो। सब्सक्राइबर काउंट अगर दिखाना है लोगों को
तो तुम दिखा सकते हो, नहीं दिखाना हो तो इसको डिसेबल भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमारा ये सारा वेरिफिकेशन हो रखा है, ये हमेशा सेटिंग टैब चेक करना है। देखो बेसिक इंफॉर्मेशन, ये चीज़ हम इसलिए नहीं करते हैं, ये चीज़ हमने एक बार कर दिया उसके बाद छोड़ दो, ठीक है। ये चीज़ हमारा जो है ये एक डिस्क्रिप्शन बन जाता है, ये डिफॉल्ट डिस्क्रिप्शन होता है। जो भी वीडियो डाल रहे हो उस पर प्री फिल्ड डिस्क्रिप्शन अगर आपको चाहिए तो आप ये चीज़ डाल के रख सकते हो। हमने डाल दिया है क्योंकि हमने डिस्क्रिप्शन एक ही यूज़ किया है काफ़ी जगह, ठीक है। मे बी हम मतलब क्योंकि हम हमें अपने ब्रांड के बारे में बताना है तो इसलिए हम लाइक डिस्क्रिप्शन हमेशा यही यूज़ करते हैं, ठीक है। ऊपर तो हम ब्रांड के बारे में बताते हैं, जो पोस्ट करते हैं वो तो बताते ही हैं, प्लस नीचे हम अपने एजेंसी के बारे में लिखते हैं। परमिशंस में यहाँ पे जो भी अगर आपको ब्रांड अकाउंट है तो आप डायरेक्टली परमिशंस दे सकते हो यहाँ से भी, ठीक है। मॉडरेटर है आप, अगर तुम ये सब, ये क्रिएटर्स के लिए ही होता है वैसे, अगर आप क्रिएटर हो तो आप किसी को एज ए मॉडरेटर देना चाह रहे हो, जैसे किसी के पास कोई एंटरटेनमेंट चैनल है और वो किसी को एज ए मॉडरेटर देना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो सिर्फ यूआरएल डाल देगा उसका एंड दे कैन मॉडरेट दिस चैनल एज वेल, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे बेस्ट, हम आते हैं एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स बहुत इम्पोर्टेंट होता है जानने के लिए, ठीक है। तो एनालिटिक्स में बहुत चीज़ें हैं जो कि तुम लोग एक्सप्लोर भी कर सकते हो लेट ऑन, अगर कोई भी चैनल का एक्सेस ले लो, उसे बहुत चीज़ें हैं एक्सप्लोर करने के लिए। ओवरव्यू में मैं पहले बता देता हूँ, ओवरव्यू तुम्हें पूरा ब्रांड का एनालिटिक्स का ओवरव्यू बताता है कि आपका जो भी तुम ड्यूरेशन चेंज लाइक यू विल चूज द ड्यूरेशन, उस पे बताएगा कि कितने व्यूज आए हैं, आपके वॉच आवर्स क्या हुए हैं, ठीक है, वॉच टाइम क्या था, आपके सब्सक्राइबर्स कितने बढ़े हैं, ठीक है। अब मुझे जाना है, ये चीज़ तो हो गया, अब मुझे जाना है डिटेल में, ठीक है। ये सारा ओवरव्यू देगा कि टॉप 10 आपके जो है फेब्रवरी में क्या वीडियोस परफॉर्म किए हैं, अभी जो वीडियो डाले हैं उसके क्या परफॉर्मेंस रही है, ठीक है, और यहाँ पे लाइव काउंट तुम्हारा दिखते रहेगा। ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है अगर मैं 169 देख रहा हूँ तो, क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया था तो जीरो जीरो व्यूज इन लास्ट 48 आवर्स आता था, अभी के टाइम में 169 आ रहा है, मतलब हमारा जो कंटेंट हमने डाला है उसको काफ़ी अच्छे से हमने कीवर्ड स्टाफिंग और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब प्रॉपरली डाला है, इसकी वजह से लाइक ये चीज़ हो रहा है, ठीक है। या तो हमारा एक वीडियो, एक कोई भी वीडियो अगर वायरल चले जाए उसके बाद जो जो भी लोग उसको लाइक करेंगे ना, उनको दूसरा कंटेंट दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है, चाहे वो हमारा एक बार लेकिन हमारा जो एनईएम का चैनल एक बार विजिट कर ले, उनको हमारा दूसरा वीडियो भी दिखाएगा, ठीक है। चाहे वो हमने कितने टाइम, 1 साल पहले भी पोस्ट क्यों ना करे हो, एक बार अगर कोई बंदा अगर हमारे चैनल में घुस गया ऑर्गेनिकली, उसको हमारे शॉर्ट्स, हमारे जो भी हमने वीडियो डाले हैं वो चीज़ दिखाता ही है। अगर वो शॉर्ट से भी इंटरेक्ट कर दिया, हमारे यूट्यूब चैनल पे घुस गया, तो हमारा कंटेंट दिखेगा ही दिखेगा, एक दो बार तो दिखेगा ही उनको, ठीक है। तो यही रीज़न है एक वीडियो हमारा वायरल हुआ होगा और हमारे जो लोग देख रहे हैं वो हमारे चैनल को विजिट करे होंगे तो उनको और वीडियोस दिखे होंगे। अब इस पे सी मोर पे जा सकते हो, ये एडवांस्ड एडवांस बोलते हैं इसको, एनालिटिक्स, ठीक है। अब इस पे क्या कर सकते हो, इस पे कोई भी मैट्रिक्स चूज कर सकते हो। आपको अगर डेमोग्राफ देखना है कि कौन से लोकेशन, कौन से जियोग्राफी से आपके लोग लोग देख रहे हैं वीडियोस, कैसे कहाँ से ट्रैफिक सोर्स आ रहा है, मतलब कहाँ से लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं, मे बी वॉच पेज हो, सजेस्टेड वीडियोस देखो, देख रहे हो सजेस्टेड वीडियोस कितना 77%, तो सजेस्टेड वीडियोस ही आपको आपके कंटेंट को वायरल बनाता है। जो भी यूट्यूब क्रिएटर्स हैं, सजेस्टेड कंटेंट ही वायरल बनाता है। सब बोलते हैं कि यार हमारा जो है कीवर्ड्स 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 हैं, कंटेंट भी है, ठीक है, बट आपका अगर कीवर्ड्स और कंटेंट पे सर्चेस ही आ जाएंगे, मतलब होते हैं सर्चेस के थ्रू आते हैं, बट सजेस्टेड व्यूज के अगर सजेस्टेड व्यूज का बूस्ट मिल गया ना, तो आपके चैनल को कोई भी ग्रो करते हुए नहीं रोक सकता है, ठीक है। सर्चेस से देखो हमारे बहुत कम है, बट हाँ सजेस्टेड व्यूज इसलिए ज्यादा है क्योंकि हमारा एक वीडियो, कोई भी एक वीडियो अगर ज्यादा जाए तो हमारा लाइक कंटेंट वायरल हो सकता है। अब यहाँ पे इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट 2.1 है, काफ़ी डिसेंट है, ठीक है। इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट अगर तुम्हारे 1.5 से नीचे हो ना, तो उसको ये नहीं कंसिडर करना कि बहुत अच्छा है। अगर आपका सब्सक्राइबर्स बहुत कम है, ठीक है, और उसके उसके हिसाब से हम क्लिक इम्प्रेशन क्लिक थ्रू रेट काउंट करते हैं,
इस हिसाब से हमारा जो क्लिक थ्रू रेट होना चाहिए 13 पॉइंट कुछ%। बट एज हमारा कंटेंट ऐसा नहीं है कि हमने सिर्फ मार्केटिंग के बारे में बात किया है, हमने सिर्फ अपना कंटेंट शोकेस किया है लोगों को, तो उस हिसाब से काफ़ी डिसेंट है, ठीक है। एंड जो व्यूज़ है वो भी काफ़ी डिसेंट है। इस पर कुछ भी तुम्हें चाहिए ऊपर ग्राफ वगैरह, सिर्फ इस पर क्लिक करके यू कैन सी द ग्राफ, जो भी ग्राफ्स चाहिए आप वहाँ पे क्लिक करके आप ग्राफ्स को देख सकते हो, कि कंपेयर कर सकते हो कि चैनल पेजेस से, विजिटेड व्यूज से क्या है। यहाँ पे तुम एक्सपोर्ट भी कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कितने कौन से पीरियड में आपको चाहिए, ठीक है, फर्स्ट इन ओवर द ईयर्स, फर्स्ट 24, ये या तो वीडियो से अगर कंपेयर करना वो भी कर सकते हो, ठीक है। कोई ग्रुप है आपके पास तो वो चीज़ ग्रुप को क्रिएट करके आप शेयर भी कर सकते हो, उस पर भी आप देख सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें जो भी यहाँ दिखा रहा है आपको, एक्सपोर्ट करके आपको अपना रिपोर्ट बनाना आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। जियोग्राफी में आपको सारे लोकेशंस वगैरह दिखेंगे, कौन से लोकेशन से आ रहा है, ठीक है। आप इंडिया, मैंने किया तो इंडिया में मुझे दिखाया सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश से व्यूज़ आए हैं, ठीक है। एज एज देखना है लोगों का, लोग कौन से जेंडर के लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो ये अगर हम कोलेट करके, मेरा बस ये मोटिव है कि अगर हम ये कोलेट करके ऑडियंस को अगर जानना है ना, तो ये सब कोलेट करके हम लोग दिखा सकते हैं आगे क्लाइंट्स को भी, और अपनी इंटरनल लर्निंग्स भी ले सकते हैं कि हमारा जो है कौन किस टाइप ऑफ वीडियो चल रही है अभी, कैसे टाइप ऑफ ऑडियंस देख रहे हैं उसको, ठीक है, किस टाइप का सर्च करके हमारे वीडियो पे ज़्यादा रिटेंशन, रिटेंशन का मतलब होता है कि लोग हमारा जो, अगर वीडियो हमारा 2 मिनट का है, अगर लोग 75% रिटेंशन रखते हैं, मतलब 1 मिनट 45 सेकेंड्स रिटेंशन रखते हैं, तो मतलब हमारा ये है, मतलब 1 मिनट 45 सेकेंड्स का ही वो वीडियो देख रहे हैं। 100% रिटेंशन होता है हमारा जो व्यू थ्रू होता है, मतलब व्यू थ्रू को भी बोल सकते हो वैसे, उसमें हमारा जो एंटरटेनमेंट चैनल का होता है वो 110, 100, जो भी तुम एंटरटेनमेंट चैनल देखते हो जो ट्रेंडिंग पे आता है ना, उनका जो रिटेंशन होता है और उनका जो व्यू थ्रू रेट होता है कि मतलब आप कितना परसेंटेज व्यू करे हो, मतलब कितना आपने व्यू किया है, जो अभी मैंने बोला वो व्यू थ्रू ये होता है, जैसे 75% ऑफ द व्यू आपने देखा है, 75% ऑफ द वीडियो देखा है, वो सारी चीज़ें। और रिटेंशन आपकी वीडियो आ, आ, में कितना, वही परसेंटेज ही परसेंटेज में ही बताया जाता है इसमें रिटेंशन में भी, ठीक है। तो वो चीज़ भी आपको लाइक ये डेटा बता देता है। एंड अगर एंटरटेनमेंट में नहीं है तो डू नॉट एक्सपेक्ट कि आपका रिटेंशन या व्यू थ्रू रेट 100% रहेगा, ठीक है। हमारा जो जो भी कंटेंट हम डाल रहे हैं उस हिसाब से ही रिटेंशन लोगों का बना रहता है। अगर आपका वीडियो गेमिंग का है या आपका शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका व्यू थ्रू रेट 100% हो सकता है, ठीक है, 100% से ज़्यादा ही होता है, 103, 110%, 120%, 150% भी हो सकता है, क्योंकि लोग एक बार देखेंगे वही बंदा आपका वो वीडियो 2 बार देखेगा, उसको बोलते हैं अगर 100% 2 मिनट देख लिया उसके बाद फिर से स्टार्ट कर रहा है वही बंदा, तो वो काउंट होगा आपके 100% के बाद ही, ठीक है। तो वो चीज़ है, तो वो शॉर्ट्स पे बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा कि 100% से ऊपर आपका रिटेंशन आ रहा है, 90% आ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ है, यहाँ पे आपको जो भी चीज़ें चाहिए एंड स्क्रीन एलिमेंट से, आपके लोग कितने व्यूज़ करे हैं, कितने सब्सक्राइबर्स आए हैं एंड स्क्रीन से, वो सब सारी चीज़ आप देख सकते हो यहाँ से। सब्सक्रिप्शन सोर्स देखना है कि आपके जो सब्सक्राइबर्स है वो कहाँ से ज़्यादा आए हैं, ठीक है। जैसे YouTube, हमारे YouTube चैनल से 35 ये आए, वॉच पेज हमारा जो पूरा YouTube का वॉच पेज होता है, जो अगर आप जाओगे YouTube का फीड होगा या तो, ठीक है, वहाँ से इतने लोग आए हैं, YouTube सर्च से इतने आए हैं, हमारा माइनस भी होता है। देखो सब्सक्राइबर अगर गेन होंगे तो लॉस भी होंगे, ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हमने गेन किया है 50 सब्सक्राइबर्स, 1 महीने में हमने 25 खो दिया, वो नेगेटिव हमेशा होता है, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में जानना, जैसे आपको पता नहीं है कि YouTube चैनल क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे चैनल पेज, जैसे यहाँ पे लिखा है आपके चैनल पे घुस के आपके चैनल पेज पे वो लोग सब्सक्राइब कर देते हैं। वॉच पेज क्या है, फ्रॉम द सब्सक्राइब बटन ऑन वीडियो वॉच पेज, ठीक है, कोई वीडियो देख रहा है
वीडियो को देख रहा है और उसी टाइम सब्सक्राइब बटन दबा दिया है, ठीक है, वो चीज़ होता है। सर्च से आपके सर्च, अपने सर्च के एनीएम डिजिटल आपको ऊपर दिखा, एनीएम डिजिटल आपने डायरेक्टली सब्सक्राइब कर दिया, वो चीज़ होता है। तो आप यहाँ पे सारे वीडियोस भी डाल सकते हो, मतलब जो जो मेट्रिक्स आपको देखना है, कुछ कुछ होते हैं जो कंपेरेबल नहीं है, ठीक है। बाकी आप अगर ट्रैफिक सोर्स देखोगे तो आप सारी चीज़ ऐड करके खुद ही बना सकते हो रिपोर्ट, जो भी आपको डालना है, ठीक है। आप यहाँ पे जैसे इंप्रेशन, इंप्रेशन क्लिक थ्रू रेट, एवरेज व्यू ड्यूरेक्शन, ये सारा चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। वॉच टाइम इन आवर्स, जो भी चीज़ यहाँ पे ग्रेड आउट नहीं है या कट स्ट्राइक थ्रू नहीं है, वो चीज़ आप कंपेयर कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। ये बहुत एडवांस्ड यूट्यूब एनालिटिक्स हैं। बाकी सब्सक्राइबर्स में क्या गेन हुए, हमेशा अगर हमारा स्पाइक दिखा है यहाँ पे, हमने चार वीडियो डाले हैं, देखो यहाँ पे चार वीडियो डाले हैं हमने यहाँ पे, तो उसके बाद हमारे स्पाइक्स दिखे हैं, मतलब इसका मतलब हमें खुद निकालना पड़ेगा। देखो हमने जितने ज़्यादा कंटेंट डाले हैं उतना ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हमें मिले हैं। जितना आप वीडियो डालोगे, जितना आप रेगुलर रहोगे, ये चीज़ तो एक ही है, जितना आप रेगुलर रहोगे ना, उतना ही आपके वीडियो को यूट्यूब आगे दिखाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ कीवर्ड आपने यूज़ किया है। कीवर्ड्स तो ऑब्वियसली इट मेक सेंस जब आपके कीवर्ड कुछ ट्रेंडिंग सर्च पे चल रहा है, जब तक वो कीवर्ड्स के सर्चेस थाउजेंड्स मतलब 10,000 पे डेली नहीं होते हैं ना, तब तक वो फायदेमंद नहीं होता है। तो आपके कम कम अगर आपके कीवर्ड्स है, लो कंपटीशन भी हो, तो क्या हुआ, मतलब वो बहुत नैरो डाउन होते हैं, मतलब जो बहुत नीश चैनल होता है ना उनके लिए ठीक है, ठीक है। आप कीवर्ड्स आप स्टफ करके आप तो वो चीज़ हम पूरे ब्रांड के लिए करते हैं, एंटरटेनमेंट के लिए अलग ही होता है पूरा, ठीक है। बट हमने ये है, अगर आपको कोई भी ब्रांड को भी अगर अगर आगे लोगों तक पहुंचाना है, हमेशा मैं देन ट्राई कि आप जो भी हमारा भी ट्रेंडिंग कीवर्ड चल रहा है यूट्यूब पे, ट्राई टू फिगर दैट आउट, यूज vidIQ, यूज एनी अदर टूल लाइक एच सुपर टूल, या तो आप ट्रेंडिंग में जाके ट्विटर ट्रेंड में भी जाके देख सकते हो कि क्या ट्रेंड कर रहे हैं, उस हिसाब से लोग और भी ज़्यादा सर्चेस करते हैं यूट्यूब पे या गूगल सर्च पे। गूगल सर्च पे भी करेंगे तो हमारा यूट्यूब का वीडियो वहाँ पे शोकेस करता है, तो वैसे टाइप के हम कंटेंट आगे लोगों को या तो क्लाइंट को हम सजेस्ट कर सकते हैं कि देखो ये चीज़ ट्रेंड पे चल रहा है एंड वी हैव दिस कीवर्ड इन हैंड, और आप बताओ हमने इस पे कंटेंट क्रिएट करना है, ठीक है। हम करना चाह रहे हैं टू टेक दिस ब्रांड फॉरवर्ड एंड इंक्रीज इट्स विजिबिलिटी ऑर्गेनिकली। ये चीज़ मैंने ऐसे एक गेमिंग चैनल पे किया था, तो वो काफ़ी अच्छी विजिबिलिटी आई थी, उसमें 1,000 से ऊपर व्यूज ही नहीं जाते थे, अब कम से कम 10-20 हज़ार व्यूज उसी पे आ गए एक दिन में, बोल रहा हूँ उसमें, ठीक है। ये ट्राइड एंड टेस्टेड है इसलिए मैं बता रहा हूँ, अगर कीवर्ड्स कुछ ट्रेंड पे चल रहा है, हमेशा ट्राई टू यूज दैट कीवर्ड फॉर योर ब्रांड। उस ब्रांड को हम वो कीवर्ड लेके कैसे हम ट्रेंड पे, कच्चा बादाम आया था ना, कच्चा बादाम पे ही मे बी तुम कुछ और वीडियो डाल देते, कोई मतलब हमारे पास ऐसी कोई ब्रांड होती तो, जैसे हैमिल्टन बीच के लिए तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, देवनागरी के लिए कर सकते थे। हमारा एक सिग्मा रूल है, सिग्मा रूल हम हैमिल्टन बीच के लिए भी कर सकते हैं, हम इसके लिए कर सकते हैं, देवनागरी के लिए कर सकते हैं, शॉप कनेक्ट के लिए कर सकते हैं, देवनागरी के लिए तो और भी अच्छे से फनी वे में कर सकते हैं, ठीक है। तो वैसे वैसे कीवर्ड को हम कैसे टेक्निकली मतलब टैक्टिक वे में हम अपने यूजर्स के पास लेके जा सकते हैं, वो चीज़ हमें क्लाइंट को आगे सजेस्ट करना है, तो ये चीज़ काफ़ी हेल्प करता है आपको ग्रो करने में। तो ये हो गया आपका ओवरव्यू, सिर्फ ओवरव्यू था ये। इम्प्रेशंस हम बताएंगे, तो इम्प्रेशंस में क्या होता है कि आपके जो भी आपने वीडियो डाला है तो वो फीड पे दिखता है लोगों को, तो 48.9K इम्प्रेशंस कम नहीं होते हैं, ठीक है। अगर आपके पास 200 फॉलोअर्स है और इतने इम्प्रेशंस आ रहे हैं तो काफ़ी अच्छी बात है, ठीक है। इम्प्रेशंस इतने तो मतलब जब आपके पास 10,000 फॉलोअर्स होते हैं, काफ़ी लाइक सब्सक्राइबर्स या 2,000 भी सब्सक्राइबर्स हो उनके पास भी नहीं आते, या 1 लाख भी हो, 50,000 हो, तो उनके पास भी ऐसे कुछ लाइक इतना इम्प्रेशंस वगैरह नहीं आते हैं। व्यूज़ का नंबर्स भी ठीक है, यूनिक व्यूअर्स ठीक है, ठीक है। बट ये जो डिप दिख रहा है ना, ये हमेशा ट्राई करना रीजंस फाइंड करने के लिए कि क्यों डिप किया है यहाँ पे, व्यूज़ क्यों डिप किया है। अब देखो हमने यहाँ पे एक वीडियो डाला था 6 तारीख को, फिर डाले हमने 24 को चार वीडियो, तो यही चार वीडियो अगर तुम बीच में अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दो तो हमारे व्यूज़ की जो लिनियरिटी होती है, ठीक है, वो चीज़ हम मेंटेन कर पाए। हमें व्यूज़ जो चाहिए होते हैं वो हमेशा, हम वीडियो अगर कंटेंट नहीं डालेंगे तो
तो यूट्यूब भी बोलेगा भाई ये तो कंटेंट ही नहीं डाल रहा है यार, ये तो अब मतलब इसको बंद ही करवा दो, तो विजिबिलिटी आपकी जीरो हो जाएगी उसके बाद थोड़े टाइम बाद। ठीक है, फिर तुम यूट्यूब को यूट्यूब पे वीडियो डालते रहो और आपके व्यूज एक दो, 1 लाइक 2 लाइक ऐसे ही आते रहेंगे हमेशा। तो हमेशा ट्राई करो कि एक एक फिक्स कर लो टाइमिंग, कि जो भी चैनल हो, ये सोशल चैनल का फंडा यही होता है, कोई भी चैनल में आप अगर रेगुलर पोस्टिंग कर रहे हो, रेगुलर कंटेंट डाल रहे हो, रेगुलर आप लर्न कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, तो आपका कंटेंट को परफॉर्म करते हुए कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, ये आप ट्रैफिक सोर्सेस देख सकते हो, कहाँ कहाँ से आपके जो वीडियो वायरल हुए हैं वो सारी चीज़ें देख सकते हो। यहाँ पे एक फनल सा बना रखा है, इम्प्रेशन क्या थे आपके, व्यूज़ क्या थे, इम्प्रेशन जो आपको जो इम्प्रेशन आपको व्यूज़ दिए हैं वो 1K है। ठीक है, जो इम्प्रेशन आपको जो लोग व्यू करके क्लिक कर रहे हैं वो 2% है, मतलब इतने आप इतने लोगों ने आपके कंटेंट को देखा नहीं है, मतलब सिर्फ स्लाइड करके देखा है, लेकिन उसमें से 2.1% ने आपके इसको क्लिक कर रहा है और इतने व्यूज मिले हैं। ठीक है, वॉच टाइम आपके इम्प्रेशन से इतने आए आवर्स में, एक्सटर्नल ट्रैफिक क्या क्या है, यूट्यूब देखो, गूगल से भी काफ़ी अच्छा ट्रैफिक आया है। ठीक है, अब हमारा ट्रैफिक ये भी देख लो कि हमारे सर्च टर्म क्या आ रहे हैं ज़्यादा, एप्पल साइडर विनेगर बेनिफिट्स ये पूछा है लोगों ने, उससे हमारे 5.9% व्यूज आए हैं। रिजो सुपर मिल्क रिव्यू वीडियो डाल रखा था उसमें से आए हैं, मिक्सर ग्राइंडर से आए हैं। तो ये काफ़ी कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स हो गए हैं जो कि हमें क्लाइंट में भी क्लाइंट के बारे में कुछ सर्च कर रहे थे कुछ लोग, तो हमारा जो है वीडियो शो कर दिया होगा, तो उन लोगों ने क्लिक करके वो देख लिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सजेस्टेड टॉप सजेस्टेड वीडियोस भी होगा आपके पास, कि आपके जो जो भी वीडियोस है जो यूट्यूब पे पहले से ही किसी और ने क्रिएटर ने डाल रखा है, ठीक है, उनके वहाँ पे भी आपका वीडियो शोकेस कर रहा है। जैसे कलयुग का तो मैं बोल ही सकता हूँ, इस पे हमारा कुणाल खेमू है, तो हमारा जो कुणाल खेमू वाला वीडियो है वो चीज़ सजेस्ट हुआ है 3%। ठीक है, बहुत सही नंबर है ये, कोई बारिस्टर बाबू एपिसोड है, इस पे भी आया है। ठीक है, हमारा ये सारा जो कुणाल खेमू का आप देख रहे हो, मतलब कुणाल खेमू का जो है, जितने भी कुणाल खेमू लिखते हैं, जो कुणाल खेमू के वीडियोस देखते हैं, उनको कुणाल खेमू का वीडियो अच्छा लगा है जो हमने स्प्रॉकेट का डाला हुआ है, तो उन लोगों ने वही चीज़ देखा है और स्प्रॉकेट वाला ही, मैं अभी बता दे रहा हूँ, स्प्रॉकेट वाला ही वीडियो वायरल हुआ है। ठीक है, आप तो वहाँ पे देखोगे स्प्रॉकेट वाला वीडियो ही में ही ज़्यादा, ये देखो स्प्रॉकेट वाले वीडियो में ही सबसे ज़्यादा वो अच्छा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद हैमिल्टन बीच मिक्सर ग्राइंडर के कीवर्ड्स पे जो लोग देख रहे थे उस वो भी वायरल गया है। ठीक है, टॉप वीडियो बाय एंड स्क्रीन, एंड स्क्रीन में कुछ हमने वीडियो डाला है, ये सारे वीडियोस है, इस पे जीरो दिखा रहे हैं, बट इस पे मे भी पहले व्यूज आ रहे थे, ये दिखाया है लोगों को, लोगों ने देखा है, मे भी क्लिक नहीं किया है इस पे। ठीक है, अब हमारा टॉप प्लेलिस्ट जो है, लोग एच ए वी ट्रैक्टर्स वाले प्लेलिस्ट को ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, हमारे काम को भी ज़्यादा वॉच कर रहे हैं, ये हमें एक सेंस देता है कि लोग जो है हमारे यूट्यूब पे सिर्फ कुछ और वीडियो नहीं देखने आ रहे हैं, क्लाइंट के वीडियो नहीं देखने आ रहे हैं, वो हमारा काम को भी देखने आ रहे हैं। ठीक है, तो इस पे और भी ज़्यादा चीज़ रखो कि हमारा जो प्लेलिस्ट में है उसमें हम और ज़्यादा अपना काम ऐड करें, ताकि लोग जो हमारा काम है, मतलब हमारा जो काम है वो और देखें वो प्लेलिस्ट के अंदर। ठीक है, ये सारा चीज़ हमने बाइफरकेट कर दिया था, एक एक प्लेलिस्ट डाल के सारे क्लाइंट्स का, उस पर अपना वर्क का भी एक अलग से है। तो ये मेक श्योर करो कि जो भी हमारा वीडियो जा रहा है वो एक एक प्लेलिस्ट में, अलग अलग प्लेलिस्ट में डाला जाए, जो भी हम अपना काम कर रहे हैं वो एक प्लेलिस्ट में, और जो हम क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं वो सारे क्लाइंट के प्लेलिस्ट में। उसके बाद आपका ऑडियंस है, रिटर्निंग व्यूअर्स ये वो होते हैं जो आपके एक वीडियो देखने के बाद आपकी दूसरी वीडियोस भी देखते हैं। ठीक है, मे बी आपका वीडियो देख के वो वॉच पेज में चले गए, मैंने पहले बताया था कि आपके या तो यूट्यूब चैनल के पेज पे चले गए, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, बट उनको आपको वीडियो दिखाएगा ही दिखाएगा। यूनिक यूजर्स आपके एक ही बार वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइबर्स देखो 171% है, बहुत अच्छा जंप हुआ है ये हमारे जो भी सब्सक्राइबर्स में, बट अभी हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो काफ़ी कम हो गए, अभी इतना ज़्यादा मतलब कंपेयर टू वही है आपका, ये दिखाएगा जनवरी मंथ के कंपैरिजन में आपको दिखाएगा ये। तो वीडियोस जो आपके ऑडियंस को ज़्यादा दिखा रहे हैं,
वीडियोस ग्रोइंग योर ऑडियंस, ये सारे जो वीडियोस हमने डाले हैं, ये काफ़ी न्यू 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 व्यूअर्स को रिटर्न, ये सारे जो है लास्ट 90 डेज का ही आपको डेटा दिखा रहा है। तो पोस्ट 7 डेज के परफॉर्मेंस क्या हुए हैं इसके, तो ये सारी चीज़ आपको दिखाएंगी। अब जो जो क्लिक करोगे उस पर दिखाएगा कि कितने तारीख को ये पब्लिश हुआ है, पोस्ट 7 डेज के व्यूज़ क्या थे, टॉप परफॉर्मिंग ये सारे हैं, बॉटम परफॉर्मिंग वीडियोज ये सारे हैं, ठीक है। तो इससे भी काफ़ी अच्छा आइडिया आ जाता है आपको कि आपके जो टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस ये सारे हैं। तो हमें ऐसे टाइप ऑफ वीडियोस डालने चाहिए, ऐसे टाइप ऑफ क्रिएटिव्स भी डालने चाहिए, मतलब जो कीवर्ड्स है वो भी ट्राई करो कि ऑलमोस्ट सिमिलर ही कीवर्ड्स जाए उस पे, बट बेस्ड ऑन द रिसर्च, ठीक है। और उसके बाद सब्सक्राइबर वॉच टाइम, कौन सबसे ज़्यादा वॉच टाइम कर रहे हैं, ऑब्वियसली जो भी यूट्यूब, तुम हिस्ट्री में कोई भी हिस्ट्री में यूट्यूब निकाल लो, नॉट सब्सक्राइब्ड वाले हमेशा ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू सब्सक्राइब्ड व्यूअर्स। सब्सक्राइब्ड में भी ये नंबर अगर मे बी लेट ऑन मिलियंस में भी चले जाए, उसमें भी आपका ज़्यादा से ज़्यादा 30-40% लोग होंगे जो सब्सक्राइब्ड है, और नॉट सब्सक्राइब्ड वाले ही ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा यही होता है, एंड मेजरली फॉर जो छोटे सब्सक्राइब्ड हमारे जो ये होते हैं, क्योंकि सब्सक्राइबर्स वो सब्सक्राइब नहीं करते, वो वीडियो देख के चले जाते हैं, उनको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है वो एक ही बार देख के वो चले जाते हैं, उनको अच्छा लगता है देख के वो चले गए, तो इसलिए ज़्यादा नॉट सब्सक्राइब्ड वाले ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू सब्सक्राइब। उसके बाद एज सारा आपको मिल जाएगा, देखो हमारे एक ही एज ग्रुप ने देखा है 25 to 34 years, क्या कौन से कंट्रीज देख रही है आपकी वीडियो, ये सारा डिटेल्स मिल जाएगा। अगर आपको अलग से भी डिटेल्स चाहिए तो हमेशा एडवांस मोड में जाना, ताकि एडवांस मोड में आपको सारे जो भी डिटेल्स आपको कंपेयर करने हैं वो सारे डिटेल्स विल गेट इट फ्रॉम देयर ओनली। उसके बाद मोनेटाइजेशन तो क्या ही बताया ना, बट मे बी लेटर ऑन कोई क्रिएटर आ जाए आपके पास, बोले कि भाई मुझे मोनेटाइज करना है, मुझे बताओ कि क्या टर्म्स है, कैसे मोनेटाइज होते हैं, क्या नंबर्स होते हैं, हमेशा मोनेटाइजेशन में आके यहाँ पे देख लो कितना कहाँ तक पहुँचे हैं आपका। यहाँ पे 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होता है, 4000 वॉच आवर्स चाहिए होता है। वॉच आवर्स पहले था कि आप यूट्यूब शॉर्ट्स से जो काउंट होता है वो चीज़ वॉच आवर्स में काउंट नहीं होगा, बट अभी आई थिंक ये वॉच आवर्स, हाँ देखो देखो वीडियोस प्लेड फ्रॉम दी स्टोरीज एंड शॉर्ट वीडियोस शेल्फ और एज पार्ट ऑफ एड कैंपेन आर नॉट इंक्लूडेड फॉर यू YPP प्रोग्राम, मतलब यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम एलिजिबिलिटी। तो आपके शॉर्ट्स में जो आप वीडियो डालते हो या स्टोरीज पे डालते हो या एड से कोई वीडियो आप वॉच आवर्स इंक्रीज करने के लिए डालते हो तो वो चीज़ इंक्लूड नहीं होता है, ये सिर्फ पब्लिक वॉच आवर्स है, जो आपके वॉच पेज से, जो आपके सर्च इंजन से, वहाँ से दिखता है वही चीज़ है, ठीक है। जब ये हो जाता है तो आपको सिर्फ YouTube को कनेक्ट करना होता है एडसेंस से, और उसके बाद आपका एड्स दिखने शुरू हो जाता है। और वैसे भी अभी जो जो YouTube ने टर्म्स निकाले हैं, कॉन्ट्रैक्ट चेंज करे हैं, तो इवन इफ यू हैव 200, इवन इफ यू हैव 100 और 0 सब्सक्राइबर्स, स्टिल YouTube विल शो एड्स ऑन योर कंटेंट। आप इसलिए देखोगे ब्रांड्स पे भी, काफ़ी ब्रांड्स के YouTube चैनल पे भी एड्स दिख रहे हैं, वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि उनके वॉच आवर्स भी बहुत कम है, उनके सब्सक्राइबर्स में भी कम है। हैमिल्टन बीच के केस में आप कर सकते हो, आप उसको ऑन करके एडसन से कनेक्ट करके उसको ऑफ कर सकते हो, मोनेटाइजेशन ऑफ कर सकते हो, बट नॉट फॉर अदर ब्रांड्स जिनके कम सब्सक्राइबर्स या उनके वॉच आवर्स ही ना हुए हैं। अब एक चीज़ मैं बताता हूँ, अब मैं बताता हूँ सुपर टूल्स के बारे में। तो ये टूल आपका जो है, ये टूल हेल्प करेगा कि आपको जो भी कंटेंट है, ठीक है, मतलब जो भी आपका कंटेंट है उस पे क्या कीवर्ड्स आपको यूज़ करने चाहिए, क्या नहीं करने चाहिए, आप अगर यूज़ कर सकते हो vidIQ, vidIQ बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। अगर vidIQ नहीं है और हमें चाहिए कि हमें YouTube के कीवर्ड्स कहाँ से निकालने हैं, तो सीधा यहाँ पे जाना है एज सुपर टूल्स पे, YouTube पे जाना, YouTube पे जाना, YouTube के
कीवर्ड टूल पे तुम्हारे पास टॉपिक भी है एक्सप्लोरर। वैसे यहाँ पे ये लोग हमेशा नया नया चीज़ डालते रहते हैं और ये फ्री में देते हैं, क्योंकि इनके पास ये सारे जो है ये सारे एड्स हैं, यहाँ पे एड्स, इनको एड्स का पैसा मिलता है, इसलिए ये फ्री में दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो कोई भी कीवर्ड डाल देना यहाँ पे, जैसे मैंने डाला शॉपिंग डाल रहा हूँ, शॉपिंग रिलेटेड कीवर्ड्स यहाँ पे तुम्हें सारा, अगर तुम यहाँ पे लॉग इन करते हो तो तुम्हें सर्च वॉल्यूम और डिफिकल्टी भी दिख जाए। अगर डिफिकल्टी का मतलब ये होता है कि अगर हाई लिखा हुआ है यहाँ पे डिफिकल्टी, तो इसको ऑब्वियसली हाई लिखेगा। तो अगर यहाँ पे हाई लिखा है मतलब अगर आपने शॉपिंग गलती से यूज़ कर ली तो, और कीवर्ड सिर्फ जैसे शॉपिंग ही कुछ यूज़ करा है आपने, यहाँ पे मैं दिखा शॉपिंग चैलेंज, जैसे मैंने ये चीज़ यूज़ कर लिया, ठीक है, डिफिकल्टी हार्ड दिखा रहा है, 9.34 इसकी ये है, मतलब कुछ पॉइंट्स दे रखा है लोगों ने कि इसका इतने इतना परसेंट से हाई है, ठीक है, बहुत बहुत हार्ड है ये। तो अगर आप इसको यूज़ करते हो शॉपिंग चैलेंज को, तो बहुत कम चांसेस है कि आपकी वीडियो रैंक करेगी। अगर आपके पास बहुत कम नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स है, तब तो आप भूल ही जाओ कि आप इस लाइक इस वाले कीवर्ड्स पे आप कभी रैंक कर पाओगे। हमेशा ट्राई करना कि कोई भी जो अभी अभी नया टर्म आया है, जैसे अभी कोई भी आप वीडियो देख लो, कोई भी वीडियो आप देख लोगे कि वीडियो वायरल जा रहा है, अब कच्चा बादाम डालता हूँ मैं, ठीक है, कच्चा बादाम में अपडेट नहीं किया है क्या, हो जाना चाहिए। देखो देख रहे हो 14 मिलियन। अब छोटा सा भी ये कीवर्ड कहीं कीवर्ड आप अगर डिस्क्रिप्शन में भी डाल दो ना ये कीवर्ड, आपका वो वैसे ही आपका लाइक वायरल चले जाएगा। तो वो ये हमेशा होता है कि कम फर्स्ट, मतलब फर्स्ट सर्विस, जो आप पहले 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 आओगे तो पहला सर्विस आपको मिलेगा। तो ये वही सीन है, जो पहला चीज़ वायरल जा रहा होगा हमेशा, तो ये 100% गारंटी है कि आपका जो यूट्यूब पे हो ना, यूट्यूब पे सर्चेस सबसे ज़्यादा बढ़ती है। अब उसका जो था 2 लाख में था, अब इसका 14 मिलियन में, मतलब 1 करोड़ 40 लाख लोग ढूंढ रहे हैं इस कीवर्ड को, और अभी भी ये कीवर्ड चल रहा है। तो आप अगर ऐसे कीवर्ड अगर स्टफ करके कुछ कंटेंट बनाते हो, ठीक है, मे बी आपने कुछ ऐसा बना दिया, मे बी देवनागरी के लिए मैं ज़्यादा ये होता हूँ कि देवनागरी सूट करता है ये सब चीज़ों में, और सिग्मा भी, मतलब वो ये कंटेंट आपका बस रेलिवेंट हो आपके ऑडियंस के लिए, ठीक है, बाकी तो आप गाना कोई भी डाल सकते हो और कोई भी कीवर्ड जैसा यूज कर सकते हो, ठीक है। अब मैंने जैसे सिग्मा रूल वाला डाला है, इसका देखो 2 मिलियन, इसके भी कम नहीं है, काफ़ी सही है। तो सिग्मा रूल में आप यहाँ पे देख सकते हो मीडियम, जो भी मीडियम हो, जैसे जेठालाल, जेठालाल के वीडियोस काफ़ी आते हैं सिग्मा रूल में, ठीक है, चंपक लाल सिग्मा रूल, तो ये सारे लोग ये भी सर्च कर रहे हैं। बट ऑब्वियसली हम क्लाइंट के इस पे ये नहीं यूज़ कर सकते, सिग्मा रूल यूज़ कर सकते हैं। सिग्मा रूल के साथ तुम कुछ और कीवर्ड्स यूज़ कर सकते हो उसको फ्रेज में लाने के लिए। ऐसा नहीं है कि ये डिफिकल्टी का मतलब ये है कि आप जस्ट अगर सिग्मा रूल यूज़ करोगे तो आपकी डिफिकल्टी, मतलब आप ये सोच लो कि आपकी रैंकिंग होगी। शॉर्ट्स पे यूज़ कर रहे हो, मे बी आपकी जो वीडियो है वो आप जो सिग्मा रूल डालेंगे शॉर्ट्स पे आपको दिखा दे, मे बी वो शॉर्ट्स ऐसे स्वाइप कर रहा है सिग्मा रूल पे, उसको वीडियोस दिखाते जा रहे हैं, तो आपके वीडियोस दिखेंगे ही दिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है हमेशा, तो ये ट्राई करना कि हमेशा जो भी कीवर्ड्स रिसर्च करो उसकी सर्च वॉल्यूम देख लो, और हमेशा डिफिकल्टी देख के ही उसके जो टाइटल है वो चीज़ डालना है हमेशा, ठीक है। बाकी मैंने तो डिटेल में बता ही दिया था कि इस पे वीडियोस पे और क्या जाता है, मैं कंटेंट में फिर से आ जाता हूँ। कंटेंट में आप वो चीज़ तो मैंने एनालिटिक्स बता दिया था चैनल का, अब तुम्हें कंटेंट का जाना है कि कंटेंट में आप जो कंटेंट परफॉर्म कर रहा है, मैं देखता हूँ अब ये जैसे 94 व्यूज़ हो गया, अगर मेरे को एनालिटिक्स सिर्फ इसी का देखना है तो इसी का एनालिटिक्स में यहाँ पे देख सकते हो। अब वीडियो वाइज एनालिटिक्स देखना है कैसे क्या चल रहा है, एक बार तो हम लोगों ने ओवरव्यू देख लिया, ठीक है। आप देखो यहाँ पे शॉर्ट्स फीड से 97% ऑफ द व्यूज़ है, सर्च पे भी 2.1%, सर्च पे 2.1%। अब मेरे को ये कब डाला था वीडियो, वीडियो डाला था, देखो एवरेज परसेंटेज व्यूज भी काफ़ी अच्छा है, 97.4%। तो मैं बोला ना शॉर्ट्स पे
बहुत शॉर्ट्स आप जितना छोटा बनाओगे, मैं अभी 5 सेकंड का ही वीडियो है, ये 5 सेकंड का वीडियो है, मतलब इसका 100% से ऊपर ही जाना चाहिए था, बट 97% भी ठीक है, मतलब लोग देख के स्क्रॉल कर दे रहे, लाइक नहीं ज़्यादा आएंगे इसमें, बट हाँ लोग उस पर वीडियो, जितना वो वीडियो देखेंगे उतने हमारा व्यूज़ वगैरह बढ़ते रहेगा शॉर्ट बीट से, जितना टाइम देंगे। यूट्यूब को तो हमें बनाना है ना यार, यूट्यूब को तो बोलना है देखो हमारे जो व्यूवर्स है वो वॉच कर रहे हैं और आगे दिखाओ भाई, तो ये वही करता है वीडियो वॉच, पहले दिखाता है काफ़ी लोगों को, उसके बाद जब लोग उस पर एंगेज करने लग जाते हैं तो और लोगों को दिखाएगा वो, सबका सिस्टम एल्गोरिथम सबका सेम है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे एडिटर पे जा सकते हो, एडिटर पे अगर आपको ये वीडियो एडिट करनी है वो चीज़ आप यहीं पे कर सकते हो। आपको मे बी क्लाइंट बोल दे कि यार मुझे ना वीडियो जो है ये लास्ट का पार्ट मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे क्रॉप करके दो, मुझे ये क्रॉप करके जाना है बट मुझे ये व्यूज़ नहीं जाना है, ये फ्लिपकार्ट के टाइम में हुआ था बहुत पहले, तो पता नहीं हमारे इसमें किसी ने ये बोला था कि इसको काटना पड़ेगा पूरा ये चीज़, तो हमने उनको सॉल्यूशन दिया था कि हम काट भी देंगे आपको, ये सॉल्यूशन दे देंगे आपके व्यूज़ भी नहीं जाएंगे, वो हमारे ऊपर गारंटी है। तो हमने क्या किया, बस यहाँ पे आया हमने इसको ट्रिम कर दिया और क्लाइंट का काम खत्म हो गया, खुश वो भी खुश, उस ऑब्वियसली चार्जेस तो होते हैं, तो वो चार्जेस तो वो चीज़ हम लोग दिए, लेकिन उसके व्यूज़ नहीं गए उस टाइम, ठीक है व्यूज़ जो है वो नहीं गए उनके, बस हमने वो एंड वाला जो भी आपको उनको निकालना था वो चीज़ हमने निकाल दिया था। उसके बाद आते हैं आपके डिटेल्स पे, डिटेल्स पे कुछ ज़्यादा नहीं, आपका जो है टाइटल होता है और टाइटल और आपके डिस्क्रिप्शंस होते हैं, ठीक है तो टाइटल में हमेशा वही है आपका, ये टाइटल टाइटल में नहीं जाएगा, ये सुमित 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 सुमित, ये हमेशा हमारा जो भी अभी हम पोस्ट डाल रहे हैं शॉर्ट्स वाला, ठीक है ये चीज़ हमेशा डिस्क्रिप्शन में डाला करो, और ऊपर एंगेजमेंट वीडियो ऐसा टाइप कुछ ये डालो, क्या बोलते कीवर्ड्स, ठीक है ये वाला टाइटल नहीं जाएगा। बाकी यहाँ पे सारा चीज़ आपको अपडेट मिलेगा, यहाँ पे वेड आईक्यू अगर डालोगे तो वेड आईक्यू पे भी आपको सारा, देखो वेड आईक्यू पे मैं सही बोलूँ अगर यूट्यूब के वीडियोस डालने हैं ना शॉर्ट्स के लिए, आई वुड नेवर रिकमेंड कि आप वेड आईक्यू को देखो भी, मैं भी वेड आईक्यू नहीं देखता हूँ जब मैं शॉर्ट्स डालता हूँ। वेड आईक्यू में आपको सिर्फ कीवर्ड स्टफिंग करना है जितना आप कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में, मैं कोई टैग्स यूज नहीं करता कोई भी चैनल के लिए, मतलब इस पे तो ऑब्वियसली क्लाइंट को दिखाने के लिए कि देखो हम टैग्स यूज कर रहे हैं वो सब पहले काम करता था, अभी आई डोंट थिंक सो, शॉर्ट्स पे तो एकदम ही नहीं, शॉर्ट्स पे एकदम ही नहीं मैं टैग्स डालता हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन पे काफ़ी टाइम दे के, डिस्क्रिप्शन पे आप हमेशा टाइम दो और डिस्क्रिप्शन पे जो भी रिलेवेंट कीवर्ड्स है वो डालो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे, थोड़ा टाइम दो हमेशा आपको वीडियो मिलेगा, जो भी यूट्यूब या सोशल मीडिया मैनेजर है हमारे यहाँ पे जो भी आपको वीडियो मिलेगा आप उसको थोड़ा बैठ के टाइम दो, देखो इस वीडियो पे क्या सर्चेस हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वीडियो पहले से बनी बनाई है, ऐसा नहीं है कि हम कीवर्ड्स पहले देख रहे हैं उसके बाद हम वीडियो बना रहे हैं, हमारे पास वीडियो आ रहा है उस पर थोड़ा टाइम दो, उस पर देखो कि इस पर लोग क्या क्या सर्च कर सकते हैं, फूड पजल हमस और ये चीज़ लिखा है तो मे बी हम फूड पजल ही लिख दें इसका, है ना, तो अगर लोग सर्च करेंगे तो फूड पजल ही सर्च कर रहे हैं, लोगों को अच्छा लगता है फूड पजल देखना तो फूड पजल वो सर्च करेंगे, लेकिन हमारा नाम होना चाहिए यहाँ पे, अभी हमने शॉर्ट्स लिखा है यहाँ पे एनीएम डिजिटल होना चाहिए सारा वीडियो, ठीक है। एंड स्क्रीन वगैरह नेवर रिकमेंडेड, अब इस पे एंड स्क्रीन में शॉर्ट्स पे तो कभी नहीं डालना है, कार्ड्स एकदम नहीं डालना है, कार्ड्स उसी पे डालना जब तुम्हारे वो वीडियो किसी का एक्सटेंशन होगा, शॉर्ट वीडियो किसी का एक्सटेंशन होगा उसी उसी पे डालना, बाकी ये सारे जो है जो नंबर्स है इसको ट्राई करना कि ये सारे नंबर्स फिट हो जाए, ठीक है ये वेड आईक्यू स्कोर आपका तभी होगा जब आपके व्यूज आएंगे, तो वैसे ही अल्टीमेटली आपके वेड आईक्यू स्कोर 80, 90, 95 हो जाएंगे, ठीक है बाकी जो है आपका ये जो है रैंक टैग्स और ये वॉल्यूम टैग्स ये भी ट्राई करो, रैंक टैग्स यही होते हैं जो आपके लंबे लंबे जो सर्चेस होते हैं कीवर्ड्स होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं, उसको आप फिट करो कहीं पे, या तो आप यहाँ पे टैग्स पे डालो या तो आप वीडियो के ऊपर भी डालो, तो यही सारी चीज़ें होती है।
तुमने पूरा टैग्स वगैरह यूज किया है, गुड है। तो यही है, मतलब आप पूरा अगर आप वीडियो यूज कर रहे हो, पूरा कंप्लीट कंप्लीट अपने अगर 2-3 मिनट का वीडियो है ये कंप्लीट कर रहे हो, तो आपका वैसे ही ये 50% 50 के ऊपर हो जाता है। ये 50-48 रहता ही है, बाकी आपका जो परफॉर्मेंस के ऊपर है आपका vidIQ 100 100 हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं किया तो वैसे vidIQ स्कोर जो है लोअर दिखाएगा उसको, फिर हमें थोड़ा सा अगर वो वीडियो हमें चाहिए कि हम और लोगों तक पहुंचाए उसको फिर से ऑप्टिमाइज करो, मे बी उस पर नए नए कीवर्ड्स डालो, मे बी उसका जो 2021 लिखा था मे बी उसको 2022 लिख दो, ठीक है। तो उस पे क्या होता है, रिफ्रेश हो जाता है और यूट्यूब को लगता है कि भाई ये इसने कुछ इस पे कुछ चेंजेस करे हैं, मे बी इसने कुछ ऐसा कीवर्ड डाला है जो कि अभी रिलेवेंट हो, पहले नहीं था अभी रिलेवेंट है, तो वो चीज़ लोगों को और दिखाएगा आगे भी, ठीक है। ये सारे चीज़ें थे, और कुछ क्वेश्चन है किसी के पास बताओ, क्रिएटर स्टूडियो पे और तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं, और कुछ क्वेश्चन है किसी के पास? हेलो, सब सो गए हो गया है? नहीं सर, हाँ बताओ बताओ अजय, दिखाओ वो जो आपने अभी थोड़ा सा तुम भी। जो आपने अभी वीडियो एडिट का बताया था कि उसमें हम वहां से वीडियो ट्रिम कर सकते हैं, उस पे व्यूज ट्रिम कर पे तो नहीं सकते? अफेक्ट, उस पे व्यूज पे अफेक्ट नहीं नहीं पड़ेगा, बट क्या नहीं 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 वॉच टाइम पे सर इफेक्ट पड़ेगा? वो गुड क्वेश्चन, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार। वॉच टाइम पे वही है, जब अगर तुम कोई भी अनलिस्ट करते हो वीडियो, अगर तुम्हारे उस पे व्यूज आ जाते हैं तो वॉच टाइम पे इफेक्ट पड़ता है। वो क्वेश्चन पूछा है अपने आप पे, जब तुम कोई वीडियोस डालते हो उसके बाद तुम प्राइवेट कर देते हो तो वो दिखाता है तुम्हें व्यूज पे, तुम्हें तो वो दिखाता तो है हाँ, ना, मतलब नहीं हमें तो शो दिखाता है करता है, नहीं वो हमें शो कर रहा है वॉच बट टाइम पे? पर्सन को नहीं शो कर रहा हाँ, उसको उसको वैसे भी कहाँ से शो करेगा लोगों को वॉच टाइम तुम्हारा, वो पब्लिक नहीं है ना वॉच टाइम, वॉच टाइम पब्लिक नहीं है। वो वॉच टाइम पे अगर तुम वो वीडियो अगर किसी ने देख लिया है उसके बाद हम ट्रिम करते हैं तो वॉच टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका, ठीक है। वो वॉच टाइम वैसे ही रहता है, क्योंकि अगर मैंने काफ़ी अनलिस्ट भी करी है वीडियोस, ठीक है, उस पर भी वॉच टाइम तो फर्क नहीं पड़ता है, प्राइवेट भी करी है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है आपको, ठीक है। तो आपके वीडियोस पे पहले अगर व्यूज आ गए हैं तो उस पर इतना ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा आपको वॉच टाइम पे। बताओ और कुछ क्वेश्चन? हेलो, सब समझ आ गया सबको? सर एक बार विजिट करेंगे तो फिर और पता चलेगा। क्या चलो ठीक है, मतलब देख लेना एक बार इसको। और मोहित का क्या, मोहित इसको